विशाल भैया घर में इन्हें बोलू भैया बोलते हैं। जैसे मेरा नाम क्षितिज है पर घर में मेरे को मैक्स बोलते हैं, वैसे ही इनका नाम विशाल है, इनको घर में बोलू बोलते हैं। तो इनका आज इनकी आज शादी है, तो पूरा व्लॉग इनकी शाम को मेहंदी स्टार्ट होने वाली है, तो मैंने अपने मेहंदी के कपड़े पहन लिए हैं। अगर सेम कपड़े पहनेंगे तो अच्छे लगेंगे। अब हो चुकी है मेहंदी स्टार्ट। सिड्डू दीदी बोलू भैया को मेहंदी लगा रही है उनके हाथों में, और दूसरी तरफ है डोली मासी। ये दिब्बू दीदी जो सिड्डू दीदी से छोटी है, और ये अभी भैया और मिनी दीदी जो भोलू भैया को मेहंदी लगा रहे हैं। ये है भोलू भैया के कजन्स जो उनको मेहंदी लगा रहे हैं। ये पता नहीं कौन है, ये भोलू भैया की दीदी। अच्छा, भोलू भैया की दीदी है, मामा की लड़की, भोलू भैया की मामा की लड़की, मामा के साइड तो नहीं है सब। तो ये अभी भैया जो मेरे को बोल रहे कि चले जाओ उनके साथ फोटो खींचने के लिए। और मेरा मेहंदी लुक कैसा लग रहा है, और साइड में देख सकते हैं कि मैं फोटो खींच रहे हैं। तो ये फिर से भोलू भैया की मामा के साइड के आगे हैं। और ये कौन है, ये पता नहीं कौन है ये। और ये है मेरे पापा। तो मैं ये सल कर रहा हूँ अपने मेहंदी लुक में, आपको मैं बताना, रेटिंग देना मेरे को। और ये है अभी भैया का दोस्त, और ये है भोलू भैया के दोस्त, और ये है चिराग और उस मेरा भाई चिराग और उसकी मम्मा साथ में फोटो खींच रही हैं। अभी मेरी भैया की मम्मा, और ये बड़े पापा और बड़ी मम्मा और चिराग भैया जो भोलू भैया को मेहंदी लगा रहे हैं। और ये है मेरे पापा और मम्मा और मैं जो भोलू भैया को मेहंदी लगाने वाले हैं। ये पैसे भी उनके सिर पर घूम ऐसे चलाने के होते हैं, बताओ पता नहीं। और अभी मेहंदी लगा रहे हैं मेरी मम्मा और पापा भोलू भैया को, और स्टिकर पकड़े हुए हैं मेरे पापा लगते हैं, पर दूसरों के लिए चाचा और चाची लगते हैं मेरे पापा, और मैं लगता हूँ भैया कूल। तो मेरे वाले पर लिखा है कूल भैया, कूल भैया, कूल भैया, आई एम कूल भैया। और साइड में कौन बैठा है स्टिकर से देख लो, स्टिकर कौन किस चीज़ का है। नहीं इस साइड नहीं, दूसरी साइड। ये भाभी का स्टिकर है, ये दीदी का स्टिकर है, जो ये आगे दीदी का, जो भोलू भैया की साइड लेफ्ट साइड बैठा है। अच्छा, और ये कौन है, सिड्डू दीदी और जोगू भैया। और ये सिड्डू दीदी और जोगू भैया,
पक्का जग्गू भैया का नाम कुछ और स्कूल में होगा, है ना मम्मा? ये बोलू भैया की साइड में बैठे हुए स्माइल कर रहे हैं, वो है उनके उनके छोटे भाई। तो ये है प्रिया मासी और तमन्ना दीदी जो बोलू भैया को मेहंदी लगा रही है। सबके लिए दीदी लगते हैं मैं, तमन्ना दीदी सबके लिए दीदी लगते हैं। और प्रिया मासी क्या लगती है? अच्छा, तेरी मासी लगती है तो बोलू भी मासी लगती है। बूजी बड़ी बुआ जो मेरी बुआ भरमौर में होती है वो है। मेरी दूसरी बूजी अभी आई नहीं है, कब आएगी मेरे को नहीं पता। और ये मामू है अच्छा बूजी के हस्बैंड। वाह, ये बूजी के हस्बैंड है ना। और ये कौन बैठा है? और ये है बुआ बूजी और ये है बूजी का पूरा परिवार। ये जो आप पिंक सूट में सुंदर सी लड़की देख रहे हैं, ये मेरी बड़ी बुआ की बेटी गुड़िया दीदी है, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में पढ़ती है। व्हाइट शर्ट में मामू के साथ बैठे हैं जग्गू भैया। और ये है सिड्डू दीदी, गुड़िया दीदी और दिब्बू दीदी। ये है दादी, गांव की दादी। और ये है साथ में बैठे अबे भैया। और मिनी दीदी पता नहीं कहाँ रहेगी, मिनी दीदी कहाँ है? मिनी दीदी भी आएगी। ये है मेरे सारे भरमौर के कजन्स और भाई बहन। और हमारे घर में सिड्डू दीदी और मिनी दीदी आ गई हैं। और गुड़िया दीदी, अबे भैया और दिब्बू दीदी हमारे घर में नहीं आए, हमारे पास नहीं आए। तो मैं अपनी वीडियो बोल देता हूँ कि आप हमारे पास आ जाए। ये है बड़ी मम्मा। मम्मा बोलती है कि मैं अभी भी एक तरह सेम हूँ, शीशे में देखते रहते हैं। और मैं भी शीशे में देखता हूँ, जो अच्छे दिखते हैं उनको तो शीशे में देखना चाहिए, जिनकी मुँह अच्छा लगते नहीं अच्छे वो क्यों देखेंगे, जो सुंदर वही तो देखेंगे। तो आप सोच रहे होंगे मेरे बड़े पापा वीडियो में क्यों नहीं है, जिनको पता नहीं है मैं बता देता हूँ। ये मेरी बड़ी मम्मा और बड़ी पापा की तस्वीर। मेरी बड़ी मम्मा जब दिब्बू दीदी छोटे थे तब बड़ी मम्मा हमें छोड़ के चले गए। और मेरे बड़े पापा को लिवर में प्रॉब्लम थी, इसलिए वो मैं और हमको छोड़ के चले गए। अगर वो अभी भी होते तो मेरे सबसे ज़्यादा प्यार मेरे से करते। मेरी मम्मा बोलती है वो बच्चों सबसे ज़्यादा छोटे बच्चों से प्यार करते हैं। तो मैं मेरे घर का सबसे छोटा सदस्य हूँ। अगर आज बड़े पापा होते तो मेरे को बहुत प्यार करते। मम्मा वो क्यों चले गए हैं? मिस यू बड़े पापा बड़ी मम्मा, आपके बिना सब अधूरा था।